विज्ञान ही है जो अंधविश्वास या भ्रम के शीशे को चकनाचूर करता है। विज्ञान की बदौलत आज हमने अनेकों आविष्कार किए हैं जिन्होंने मानव जीवन को बदल कर ही रख दिया। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि किसी आविष्कार को अंजाम देने के लिए एक वैज्ञानिक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसे कितनी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिकों ने अपने आप को साबित करने के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर दी। यही कारण है कि लोग इन्हें सन की वैज्ञानिक तक कहते हैं। आखिर उन वैज्ञानिकों के क्या नाम हैं? चलिए जानते हैं। हेनिंग ब्रांड एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने गलती से केमिकल एलिमेंट फास्फोरस की खोज की। बिल्कुल सही सुना, बाय मिस्टेक। जब आप इस खोज के पीछे की असली कहानी सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह, मजा आ गया। हेनिंग ब्रांड एक जर्मन एल्केमिस्ट थे और उस समय के वैज्ञानिक थे। तब किसी केमिस्ट को जादूगर यानी मैजिशियन तक माना जाता था, क्योंकि तब कोई वैज्ञानिक अलग अलग केमिकल्स को लेकर एक्सपेरिमेंट करता था तो कुछ ऐसा जनरेट होता था जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते थे और उन्हें जादूगर तक कहने लगते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। साल 1969 की बात है। हेनिंग को सनक उठी कि यूरिन में कुछ केमिकल्स मिलाकर गोल्ड यानी सोना तैयार किया जा सकता है। हेनिंग का मानना था कि यूरिन और गोल्ड का रंग एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। हो सकता है कि पेशाब में सोने के कुछ अंश मौजूद हों। बस फिर क्या था, मन में ये ख्याल आते ही हेनिंग ने उस विचार पर काम करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने लगभग 5700 लीटर यूरिन जमा किया। जी हाँ, यूरिन यानी पेशाब। हेनिंगबर्ड ने पेशाब से सोना निकालने के लिए इसे अपनी लैब में उबालने के लिए रख दिया। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों तक चले इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के दौरान सारा यूरिन भाप बनकर उड़ गया, लेकिन जिस बर्तन में यूरिन रखा गया था उसमें नीचे कुछ बच गया था। ये अनोखी चीज एक पाउडर के फॉर्म में थी जो काफी चमक रही थी। ये देखकर हेनिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब वो यूरिन से सोना बना ही लेंगे। वहीं हेनिंग को डर सताने लगा कि कहीं कोई उनका ये आइडिया चोरी न कर ले। लेकिन उन्होंने पूरे 6 साल तक अपने इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया से छिपा कर रखा। लेकिन एक दिन इसकी पोल खुली गई। तब दूसरे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। उस वैज्ञानिक ने अच्छी तरह से शोध करने के बाद खुलासा किया कि ये कोई सोने जैसी चीज नहीं है, बल्कि ये तो फास्फोरस है। आपको बता दें कि यूरिन में काफी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। बेशक दोस्तों, हेनिंग का ये एक्सपेरिमेंट सोने के लिए किया गया था, लेकिन असल में ये फास्फोरस का आविष्कार था। निकोला टेस्ला, अल्टरनेटिंग करंट। शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि दुनिया में अधिकांश नई टेक्नोलॉजी की खोज निकोला टेस्ला ने ही की थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी गिनती दुनिया के सन की या पागल वैज्ञानिकों के रूप में की जाती है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। 1856 में क्रोएशिया में जन्मे निकोला टेस्ला बचपन से ही बहुत प्रभावशाली थे। उनकी मेमोरी पावर इतनी तेज थी कि वो पूरी किताब झट से याद कर लेते थे। निकोला का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी का हर सवाल उनके जीवन मरण का सवाल हो जाता है। उनका ये भी मानना था कि समाधान यानी सॉल्यूशन तो उनके दिमाग में ही रहता था, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता था कि उसे जाहिर नहीं कर पाते थे। विचार इनके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाते थे कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। फिर धीरे धीरे निकोला को जुए की बुरी लत लग गई और उन्होंने ट्यूशन की सारी फीस इसमें गंवा दी। बताते हैं कि कुछ समय बाद निकोला ने अपनी फैमिली और दोस्तों से इतनी दूरियां बना ली कि सभी को लगा कि उनकी मौत हो गई है। फिर 1884 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। यहाँ उन्हें एक ऐसी कंपनी में नौकरी मिली जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि फेमस साइंटिस्ट थॉमस एडिसन थे। निकोला टेस्ला ने यहाँ एडिसन के कई आविष्कारों को खोजने में काफी मदद की थी। इस तरह धीरे धीरे एडिसन और निकोला के बीच कंपटीशन बढ़ गया। एक बार की बात है, दोनों वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि डायरेक्ट करंट बेहतर होता है या फिर अल्टरनेट करंट। जहां निकोला टेस्ला अल्टरनेट करंट के पक्ष में थे, वहीं एडिसन डायरेक्ट करंट के पक्ष में थे। आपको बता दें कि एडिसन की कंपनी बड़े पैमाने पर डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई करती थी। उस दौरान अमेरिका में डीसी पावर की सप्लाई का काम एडिसन की कंपनी के हाथ में ही था। जब निकोला ने अल्टरनेट करंट सप्लाई का विचार पेश किया तो एडिसन ने उसे गलत साबित करते हुए मानने से इनकार कर दिया।
माना जाता है कि यही दोनों के बीच विवाद की मुख्य जड़ रही। फिर एक दिन निकोला टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और अपनी कंपनी खोलने का विचार बनाया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल निकोला टेस्ला ने एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम का सफल आविष्कार किया। लेकिन जैसे ही एडिसन को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने निकोला के सबसे बड़े आविष्कार यानी एसी करंट का भारी विरोध किया। ऐसा करने के पीछे अहम वजह यह थी कि इस आविष्कार से एडिसन की कंपनी को बड़ा झटका लगा था। एडिसन ने निकोला के एसी करंट को खतरनाक बताते हुए अफवाह फैला दी। जब निकोला को इस बात की खबर लगी तो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए पागलपन की इस हद तक चले गए कि निकोला टेस्ला ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। बताते हैं कि निकोला ने अपने शरीर के जरिए एसी करंट को फ्लो करते हुए बल्ब को जला दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एसी करंट पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तरह निकोला टेस्ला का सबसे बड़ा आविष्कार अल्टरनेटिंग करंट था। इसके अलावा उन्होंने अनेक ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने मानव विकास में अहम भूमिका निभाई, जैसे रिमोट कंट्रोल, नियॉन लैंप, वायरलेस ट्रांसमिशन, लेजर बीम्स, एक्सरेज, एसी मोटर और टेस्ला टर्बाइन आदि। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि इतने सारे आविष्कार करने के बावजूद निकोला को कोई श्रेय नहीं दिया गया। यही वजह है कि दुनिया में कम ही लोग उनके बारे में सही से जानते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एटॉमिक बॉम्ब। आपने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी की दुख भरी कहानी तो सुनी ही होगी। जब अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर परमाणु हमला कर इनका नामो निशान तक मिटा दिया था। क्या आप जानते हैं कि परमाणु के इन्वेंटर कौन थे? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। उन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। लेकिन जब ओपेनहाइमर को परमाणु हमले से होने वाले विनाश के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी इस खोज पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि ओपेनहाइमर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। दोस्तों, इसके पीछे भी एक दिलचस्प पहलू है। आपको बता दें कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिस्ट थे। वो बचपन से ही काफी समझदार और टैलेंटेड स्टूडेंट थे। एक दिन उनके टीचर ने उनके माता पिता से कहा कि उनका बेटा एक दिन पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बात कुछ इस तरह से सच साबित होगी। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत एटम बम बनाने का कार्य बड़े ही गुपचुप तरीके से चल रहा था। उस वक्त ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर के रूप में काम कर रहे थे। 16 जुलाई 1945 के दिन उनकी टीम ने न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट देखा। इसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये कोई आम टेस्ट नहीं था, बल्कि पहले एटम बम का सफल परीक्षण था। फिर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम छोड़ा और जापान का हिरोशिमा शहर तहस नहस हो गया। चंद पलों में ही पूरा शहर मौत की नींद सो गया। इस भयानक विस्फोट में 80,000 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी विमान ने फिर से जापान के अन्य शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया, जिसमें करीब 40,000 लोगों की जान चली गई। हालांकि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तो हो गया, लेकिन ओपेनहाइमर की रातों की नींद उड़ गई। इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार को देखकर ओपेनहाइमर को अपने आविष्कार पर काफी पछतावा हुआ। उन्होंने अमेरिका का भारी विरोध भी किया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने इस वैज्ञानिक से उनके सारे अधिकार छीन लिए। बताते हैं कि ओपेनहाइमर मरते दम तक परमाणु बम का विरोध करते रहे। जैक पर्सन्स, रॉकेट फ्यूल। बताते हैं कि 1920 से 1930 ऐसा समय था कि अगर कोई उस वक्त ये कह दे कि वो रॉकेट साइंटिस्ट है तो हर कोई उस पर हंसने लगता था। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। ऐसा करने के पीछे एक अहम वजह ये मानी जाती है कि उस समय रॉकेट साइंस को अकल्पनीय समझा जाता था और न ही इसकी कोई पढ़ाई हुआ करती थी। ऐसे समय पर जब जैक पर्सन ने पहले रॉकेट इंजन का इन्वेंशन किया तो हर कोई देखता रह गया। दरअसल उन्होंने एक खास किस्म का फ्यूल बनाकर तैयार किया था। इस फ्यूल की मदद से रॉकेट को उड़ाया जा सकता था। ऐसा करके उन्होंने स्पेस में जाने की कल्पना को साकार कर दिखाया। साथियों, जैक ने रॉकेट साइंस के क्षेत्र में ऐसी खोज की जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। बताते हैं कि जैक अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहते थे, लेकिन 17 जून 1952 का दिन उनके लिए काल साबित हुआ। दरअसल वो ऐसे ही किसी अन्य एक्सपेरिमेंट को साकार करने में लगे थे, लेकिन उस दौरान एक भयानक विस्फोट हुआ जिसमें जैक की दर्दनाक मौत हो गई। महज 37 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद उनकी किसी ने हत्या कर दी,
ताकि वो उनके इन्वेंशन को अपना बना सके। आपको बता दें कि जैक को दुनिया का सबसे सनकी या पागल वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि वो अपने काम को लेकर इतने पागल रहते थे कि एक एक्सपेरिमेंट के वक्त ही उनकी जान चली गई। दोस्तों, ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके अंदर अपने काम को लेकर इतनी लगन, जुनून और दीवानगी थी कि लोग उन्हें पागल, सनकी और मैड साइंटिस्ट तक कहते थे। लेकिन ये भी सच है कि इनके आविष्कारों की जितनी तारीफ करो उतना कम है। तो दोस्तों, आपकी नजर में सबसे पागल वैज्ञानिक कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।